नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश, जिसमें हमने गुहिलों की सिसोदिया शाखा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि जो कुंभा है, कुंभा कुंभा की हत्या है वो उसका बेटा उदा कर देता है, और कुंभा की हत्या करने के बाद में जो उदा है वो कहाँ पर बैठ जाता है, मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन जो मेवाड़ के जो सामंत थे वो कुंभा को, उदा को क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, और वो किसके पास जाते हैं, रायमल के पास जाते हैं। रायमल कौन था? रायमल है वो कुंभा का छोटा भाई था, छोटा बेटा था, सॉरी, कुंभा का छोटा बेटा कौन था? रायमल था। रायमल के पास चले जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि रायमल क्या है, शासक बन जाता। कब? रायमल 1473 में रायमल क्या है, शासक बन जाता, और कब तक चलता है, 1509 तक। रायमल है वो 1473 से 1509 तक क्या है, शासक रहता है। जब वो शासक बन जाता है तो उदा उदा वह रायमल उदा व रायमल के बीच में क्या होता है, युद्ध होते हैं। कौन सा? एक तो जावर का युद्ध होता है। कौन सा? एक तो जावर का युद्ध होता है, एक दाडिमपुर का। कौन सा? दाडिमपुर का। ये दोनों युद्ध होते हैं जिसमें कुंभा है वो, ये जो सॉरी रायमल है वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। रायमल जीत जाता है। जब ये उदा हार जाता है तो ये किसके पास जाता है, मालवा। मालवा का एक शासक था, कौन था? गयास शाह। ये किसके पास जाता है, गयास शाह के पास जाता है। दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि भाई जो मालवा है, मालवा के साथ में जो मेवाड़ था, मेवाड़ के पहले से ही क्या संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन उदा ने क्या है, संबंध अच्छे बनाने का प्रयास किया। दोनों के मध्य संधि हुई। संधि के तहत जो क्या निर्धारित किया गया कि जो उदा है यानी कि मेवाड़ है, मेवाड़ क्या है, मालवा को क्या देगा, टैक्स देगा। जैसे ही वो संधि करके वापस आ रहा था तो बिजली गिरने से क्या हो गई, हमने देखा कि बिजली गिरने से क्या हो गई थी इसकी, बिजली गिरने से क्या हो गई थी इसकी, मृत्यु हो गई थी इसकी, उदा की मृत्यु हो गई थी। फिर ये जो रायमल है, ये रायमल क्या है, इसने गयास खा की भी क्या कर दी थी, कहानी सुलटा दी थी। गयास का के साथ क्या होता है, गयास शाह के साथ युद्ध होता है, और युद्ध में कौन जीता है, रायमल जीतता है। कौन जीतता है? रायमल। इस तरीके से जो रायमल है वो अपने पिता के जो हत्यारे हैं, पिता का जो हत्यारा है उदा, उससे क्या लेता है, बदला लेता है, और अपना शासन है उसको संचालित करता है। फिर हमने देखा कि जो रायमल है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, उसके बारे में देखा था। उसमें हमने क्या देखा था कि जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है उसका जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप है वो रायमल की देन है। किसकी? रायमल की क्या है, देन है। इससे पहले हम बताते हैं कि ये रायमल है, ये कौन था, ये वही रायमल है जो क्या होती है, जो आवल बावल की संधि होती है मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में, जब जोधा उस संधि के तहत जब ये आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, अपने जो संबंध सुधारने के लिए आपस में क्या करते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, तो जो जोधा है वो अपनी बेटी श्रृंगार कंवर है, उस श्रृंगार कंवर का विवाह किसके साथ करता है, श्रृंगार कंवर का विवाह करता है जो कुंभा है, कुंभा का छोटा बेटा था रायमल, रायमल के साथ क्या करता है, उसकी शादी करता है। और ये जो श्रृंगार कंवर, इसी श्रृंगार कंवर ने क्या किया था, गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कराया था, गोसुंडी की बावड़ी किसका निर्माण करवाया था, इसने गोसुंडी की बावड़ी है उसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। फिर एक चित्तौड़ में एक मंदिर है, कौन सा, अद्भुत शिव मंदिर। ये जो अद्भुत शिव मंदिर है इसका निर्माण भी किसने कराया था, रायमल ने। ये मंदिर कहां पर है, हमने देखा ये चित्तौड़ में है, रायमल ने। अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, रायमल ने कराया था। रायमल की एक बहन थी, कौन,
रमाबाई, रमाबाई है वो क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है और वो वापस वहां पर आ जाती है, मेवाड़ आ जाती है। मेवाड़ आ जाती है तो उसे जावर जो परगना है यानी कि जो जावर माइंस वगैरह हैं वो किसे दे देते हैं, रमाबाई को, रमा बाई को देते थे। और रमाबाई ने क्या करवाया था, रमा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण, कुंभा ने तो कौन सा, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसने, रमाबाई ने रमा स्वामी मंदिर का क्या किया था, निर्माण करवाया था। फिर हम देखते हैं कि जो रायमल था ये उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। हमने देखा कि रायमल के जो तीन हैं, ऐसे रायमल के 10 बेटे थे लेकिन तीन थे वो कौन थे, महत्वपूर्ण थे। पहला था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज को किस नाम से जाना जाता था, उड़ना पृथ्वीराज। इसकी पत्नी थी ताराबाई, वही ताराबाई थी जिसके जिसके नाम पर कौन सा है, ये वही ताराबाई है जिसके नाम पर जो अजमेर का जो किला है उसका नाम क्या पड़ा था, तारागढ़। ये लड़ने में मतलब कि इतना, जो जितने भी युद्ध अभियान होते थे वो इतनी तीव्र गति से करता था जिसके कारण इसे उड़ना पृथ्वीराज कहा जाने लग गया। फिर हमने देखा कि इसका जो एक जीजा था, इसके जीजा ने इसको क्या दे दिया था, जहर दे दिया था जिससे इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कुंभलगढ़ के दुर्ग में इसकी 12 खंभों की छतरी है, कुंभलगढ़ के दुर्ग में। ये मैंने बताया था कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि 12 खंभों की छतरी है वो कहां पर थी। उसके बाद में दूसरा बेटा कौन था, जयमल था। जयमल है वो सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया था। उसके बाद में हमने देखा कि जो अगला शासक था रायमल का, जो अगला बेटा था वो कौन था, एक सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम क्या था, सांगा। कौन था, सांगा, सांगा था। सांगा ने 1509 से, इसके शासनकाल की बात करें तो 1509 से लेके 1528, जब भाइयों में इसके जो भाई थे पृथ्वीराज है, जयमल है, और इसके बीच में क्या होता था, गद्दी को लेके आपस में क्या होते थे, छोटे मोटे वो है, बहसबाजियां होती रहती थी। एक बार क्या है कि ऐसे बताते हैं कि जो एक बूढ़ी थी, तांत्रिक थी, उसके पास आइए पूछने के लिए जाते हैं, जो क्या भविष्यवाणी करती थी। तो वो जो वो भविष्यवाणी करने जाती है तो वो क्या करते हैं, तीनों भाइयों में राजयोग के लिए पूछने जाते हैं। तो उसमें बताते हैं कि सांगा, सांगा के भाग्य में क्या है, राजयोग लिखा हुआ है। तो ये जो दोनों भाई थे कौन, जयमल और पृथ्वीराज, ये क्या करते हैं, सांगा के ऊपर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। दोनों भाई से बचते हुए ये भागता है और एक जगह आती है, वहां से क्या है, भागता है और एक जगह आती है सेवंत्री, सेवंत्री कौन सी, सेवंत्री, सेवंत्री के अंदर विदा जय मालोत, कौन, विदा जय मालोत है। वो अपना घोड़ा देकर क्या करता है, इसकी सांगा की क्या करता है, सांगा की सहायता करता है। विदा जयमल मालोत है, वो क्या करता है, सांगा की सहायता करता है। और जो इसके भाई थे पृथ्वीराज, वह जयमल से क्या है, लड़ता हुआ मारा जाता है। उसके बाद में ये कहाँ पहुंच जाता है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, एक अजमेर में श्रीनगर है, कहाँ पर पहुंच जाता है, श्रीनगर अजमेर, जहां पर ये क्या करता है, करमचंद पंवार के यहाँ क्या लेता है, शरण लेता है। करमचंद पंवार के यहाँ पर क्या लेता है, ये शरण लेता है। जब इसे पता चलता है कि जो पृथ्वीराज है उसकी जहर की वजह से मृत्यु हो गई और जो जयदेव है उसको सोलंकियों ने मार दिया, तो ये क्या आता है, वापस आता है, वापस आता है। और जब जब ये आता है, देखता है रायमल है वो बीमार हो चुका था। और रायमल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, रायमल की, रायमल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब रायमल की मृत्यु हो जाती है और सांगा क्या बनता है, राजा, यानी कि जब सांगा का राज तिलक होता है, सांगा का राज तिलक होता है, तो उसके समय तीन बड़ी शक्तियां थी, कितनी, तीन बड़ी शक्तियां थी, एक दिल्ली,
दिल्ली, मालवा और गुजरात। दिल्ली में सिकंदर लोधी, मालवा में नादिर शाह और नासिर शाह, सॉरी नासिर शाह, और जो गुजरात था वहां पर मोहम्मद बेगड़ा। यहां पर दिल्ली था उसमें सिकंदर लोधी, नासिर शाह, इसमें कौन था, महमूद देगड़ा। ये कौन थे, ये उसके समय जब वो राजा बना था तब दिल्ली के अंदर क्या थे, तब उसके सामने तीन शक्तियां थी, तीन शक्तियां थी। ये तीन क्या थे, शक्तिशाली सामंत थे। दिल्ली के अंदर कौन था शक्तिशाली राजा थे, दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी, मालवा के अंदर नासिर शाह, गुजरात के अंदर कौन था, मोहम्मद शाह देगड़ा। कौन था, मोहम्मद शाह देगड़ा। जब ये शासक बनता है, कुंभा था जो सांगा था, सांगा क्या था, एक एक अच्छे सैनिक, एक अच्छा राजा था, एक योद्धा सैनिक। इसका जो अधिकांश जीवन है वो क्या है कि सैनिक की तरह ही अपने जो दे अपना जो राज्य है उसकी रक्षा में क्या है, इसका अधिकांश जीवन है वो उसकी रक्षा में क्या हो गया था, निकल गया था। जब ये राजा बनता है तो इसका जो क्या है, युद्ध होता है किसके साथ में, पहला युद्ध होता है खातोली। खातोली वो कहाँ पर है, कोटा में। ऐसे बता दे खातोली का युद्ध तो सीधा नाम ले देते बूंदी में, पहले कैसे बोलते, पहले खातोली बूंदी में आता था, लेकिन अब खातोली कहाँ पे आता है, कोटा में आता है। तो पहला युद्ध है कौन सा, खातोली का युद्ध, खातोली कहाँ पर है, कोटा में। कब हुआ था, खातोली का युद्ध हुआ था 1517 में। कब, 1517 में, सांगा और दिल्ली का जो इब्राहिम लोधी था उसके मध्य, 1517 में किसके मध्य हुआ था, सांगा वर्सेज इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। खातोली का युद्ध है कोटा में था, कोटा में हुआ किसके मध्य, कुंभा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोधी। और इसमें जीत किसकी हुई थी, सांगा की क्या हुई थी, इसमें जीत हुई थी, इसमें कौन जीत गया था, सांगा जीत गया था। उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है, दूसरा युद्ध किसके मध्य होता है, दूसरा होता है बाड़ी, बाड़ी है वो कहां पर है, बाड़ी धौलपुर का युद्ध, दूसरा युद्ध है बाड़ी, बाड़ी का युद्ध जो कि कहां पर है, धौलपुर में, कहां पर है, धौलपुर में। कब, 1518 में, किसके मध्य हुआ था, सांगा वर्सेज इब्राहिम लोधी। इसमें भी किसकी जीत हुई थी, सांगा की। पहला हुआ था खातोली बूंदी का, खातोली का युद्ध कहां पर, कोटा में 1517 में। दूसरा हुआ था बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 में। दोनों युद्ध किसके साथ हुए थे, इब्राहिम लोधी के साथ हुए थे। इसमें इब्राहिम लोधी की क्या होती है, हार होती है, और सांगा की क्या होती है, जीत होती है। फिर अगला युद्ध करता है, अगला जो इम्पोर्टेंट युद्ध था वो कौन था, गागरौन का युद्ध झालावाड़ में 1519 में। ये किसके साथ होता है, ये मालवा के साथ होता है। तो अगला युद्ध हम कौन से देखेंगे, गागरौन का युद्ध, कौन सा युद्ध, गागरौन का युद्ध। पंद्रह सौ उन्नीस कहां पर, झालावाड़ में, मेवाड़ में, मालवा के मध्य हुआ था, मेवाड़ में, मालवा के मध्य हुआ था। ये युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था, मेवाड़ में, मालवा के मध्य हुआ था। मेवाड़ में कौन थे, सांगा थे, मेवाड़ में सांगा थे। वहां पर कौन थे, मालवा में मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी सेकेंड, मोहम्मद खिलजी सेकेंड। गागरौन का युद्ध 1519 में हुआ था झालावाड़ में, मेवाड़ व मालवा के बीच में हुआ था। क्योंकि जो हमने देखा था कि जो ये तीन शक्तियां थी जिनके साथ में मेवाड़ की कभी भी क्या संबंध अच्छे नहीं थे, कौन कौन सी, बाड़ी सॉरी दिल्ली, गुजरात और मालवा। ये जो युद्ध था गागरौन का युद्ध, इसके कारण थे। पहला कारण क्या था, पहला कारण कोई भी युद्ध होता है उसका एक कारण होता है, वो
सब युद्धों में क्या होता है, कॉमन होता है, वो क्या था कि दोनों जो राजा थे, सांगा और इब्राहिम लोदी, ये दोनों ही क्या करना चाहते थे, अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे। तो ये क्या था, पहला कारण था कि दोनों की क्या है, साम्राज्यवाद की क्या थी, नीति थी। फिर दूसरा हम देखते हैं कि जो मेवाड़ और मालवा है, इनके जो संबंध है वो लंबे समय से कैसे चल रहे थे, खराब चल रहे थे, अच्छे संबंध नहीं थे इनके, लंबे समय से कैसे खराब संबंध चल रहे थे, तो युद्ध का कारण है। दूसरा कारण क्या बना था, युद्ध का कारण ये बना था। फिर तीसरा कारण बना था कि जो सांगा है, सांगा ने जो मोहम्मद खिलजी सेकंड है, मोहम्मद खिलजी सेकंड है, इसका एक विरोधी था, कौन था, मेदनी राय, कौन था इसका विरोधी था, विरोधी कौन था, मेदनी राय। मेदनी राय को क्या है, मेदनी राय को क्या कर लेता है, ये सपोर्ट करता है, और मेदनी राय को जो ये सांगा है, ये क्या देता है, गागरौन का किला, क्या देता है, गागरौन का किला, गागरौन का किला, गागरौन का किला वो किसे दे देता है, मेदनी राय को दे देता है। फिर इसमें क्या, गागरौन का किला दे देता है, युद्ध के क्या लास्ट में निर्णय निकलते हैं, जिसमें कौन सांगा है वो क्या जाता है, जीत जाता है। सांगा क्या है इस युद्ध में, कौन जीत जाता है, सांगा जीत जाता है। ये जो मोहम्मद खिलजी है, मोहम्मद खिलजी है, इसकी गिरफ्तारी हो जाती है। आमतौर पर क्या होता था कि जो राजा होते थे वो क्या है, भाग जाया करते थे, या फिर युद्ध भूमि में क्या हो जाते, मर जाते थे। ये जो मोहम्मद खिलजी है, इसको एक संबंध था, कौन था, हरिदास चारण। ये जो हरिदास चारण है, ये इसे क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, किसे कर लेता है, मोहम्मद खिलजी को क्या कर लेता है, ये गिरफ्तार कर लेता है। इस खुशी में जो सांगा है, सांगा है, ये सांगा क्या होता है, इसे प्रसन्न होता है, प्रसन्न होकर इसे कितने गांव दे देता है, 12 गांव है, वो क्या कर देता है, इसे गिफ्ट में क्या कर देता है, गिफ्ट रेप करके कितने गांव दे देता है, 12 गांव दे देता है। गागरौन का युद्ध, उसमें हम देखते हैं कि गागरौन का युद्ध है वो झालावाड़ में हुआ था, कब हुआ था, 1519 में, किसके मध्य हुआ था, मेवाड़ व मालवा के मध्य, जिनमें मेवाड़ का शासक कौन था, सांगा था, मेवाड़ का शासक सांगा, और मालवा का था मोहम्मद खिलजी सेकंड, कौन था, मोहम्मद खिलजी सेकंड। युद्ध के कारण, पहला कारण हमने देखा था कि युद्ध का साम्राज्यवादी, जो साम्राज्य का विस्तार था, दोनों राजा वो क्या करना चाहते थे, साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। फिर दूसरा कारण था कि ये मेवाड़ और मालवा है, इसके लंबे समय से संबंध अच्छे नहीं थे। लंबे समय से संबंध क्या थे इनके, खराब थे। तो जहां खराब संबंध होते हैं वहां कुछ अच्छा होने की कोई संभावना नहीं होती है, तो लंबे समय से क्या थे, खराब संबंध थे। फिर तीसरा हम देखते हैं कि जो मालवा का मोहम्मद खिलजी सेकंड था, इसका एक विरोधी था, कौन था, मेदनी राय। मेदनी राय को जो सांगा है वो क्या करता है, सांगा क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, सांगा क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, और इसे क्या कर देता है, गागरौन का किला है वो क्या दे देता है, इसे गागरौन का किला है इसे दे देता है। युद्ध होता है, युद्ध के कारण निकलते हैं, तो उसमें सांगा क्या है वो जीत जाता है। एक सामंत है, कौन, हरिदास चारण। हरिदास चारण है वो क्या कर लेता है, मोहम्मद खिलजी को गिरफ्तार कर लेता है, जिससे सांगा खुश होता है और उसे क्या दे देता है, 12 गांव है वो गिफ्ट में दे देता है। इस युद्ध के बाद में हमने देखा कि सांगा के जीवन में एक अगला युद्ध और आता है, क्या आता है, अगला होता है ईडर गुजरात के साथ 1920 में, कौन सा, ईडर गुजरात के साथ, सॉरी, ईडर गुजरात के साथ 1520 में, कभी 1520 में, तो ईडर का युद्ध। जगह की बात करें तो हम गुजरात, और यदि समय की बात करें तो 1520 में, कब, 1520 में ईडर गुजरात का युद्ध होता है, किस किस के मध्य होता है, सांगा वर्सेज मुजफ्फर शाह, किसके मध्य, सांगा वर्सेज मुजफ्फर शाह, कहाँ का था ये,
गुजरात का था। सांगा वह मुजफ्फर शायद इसके मध्य होता है। युद्ध के वही कारण देखें तो गुजरात के साथ भी मेवाड़ के क्या है अच्छे संबंध नहीं थे। हमने देखा कि गुजरात के साथ भी क्या अच्छे संबंध नहीं थे। पहला क्या था, दोनों का साम्राज्य विस्तार कि दोनों की साम्राज्यवाद की नीति। फिर दूसरा था कि एक नागौर, कौन सा नागौर, एक तरफ मेवाड़ एक तरफ गुजरात एक तरफ कौन था नागौर था। तो ये जो नागौर है, जब जब नागौर को जरूरत पड़ती थी किसी भी चीज के लिए, जैसे मेवाड़ जद के साथ, जब भी मेवाड़ के साथ में क्या होता थी लड़ाई होती थी या फिर कुछ भी, जैसे कि इनमें मन मुटाव होता था, तो गुजरात है वो क्या है इसकी हेल्प करने के लिए क्या है हमेशा आ जाता था। गुजरात के जो शासक थे वो नागौर के साथ इनके अच्छे संबंध थे। जब भी मेवाड़ के साथ नागौर के संबंध बिगड़ते थे, गुजरात वाले वो सहायता के लिए तैयार रहते थे। तो इनको लेकर, मेवाड़ की नागौर और गुजरात को लेकर काफी समय से क्या चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी। दूसरा कारण ये था। फिर तीसरा कारण ये था कि गुजरात ने सांगा के खिलाफ, गुजरात ने सांगा के खिलाफ मालवा का जो मालवा है उसकी क्या की थी, हेल्प की थी। इस गुजरात ने हेल्प की थी किसकी, मालवा की। यानी कि जो गुजरात है ये क्या करता था, दोनों हाथों में क्या रखता था, नहीं इसे दोनों हाथों में लड्डू रखना तो नहीं, एक कारण था कि गुजरात ने सांगा के खिलाफ मालवा की क्या की थी, सहायता की थी। फिर हम देखते हैं इस युद्ध का एक कारण और था, जो मुख्य कारण था वो कौन था, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण की यदि हम बात करें तो वो क्या था, ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। क्या था, ईडर का ईडर में एक था भारमल एक था रायमल, कौन भारमल एक था रायमल। भारमल की सहायता है वो कौन कर रहा था, मुजफ्फर शाह। कौन कर रहा था, मुजफ्फर शाह। और जो रायमल है, रायमल की सहायता कौन कर रहा था, सांगा। जब युद्ध होता है, ईडर का जो युद्ध होता है तब 1520 में, जिसमें कौन जीत जाता है, सांगा है वो क्या हो जाता है, विन कर जाता है, और रायमल है वो क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। लेकिन कालांतर में जब खानवा का युद्ध होता है, कौन सा, जब खानवा का युद्ध होता है तो ये जो भारमल है ये किसकी, सांगा की हेल्प करता है, सांगा की हेल्प करता है। क्योंकि जो रायमल है, कालांतर में सांगा ने रायमल को तो हटा दिया और भारमल को क्या बना दिया था, राजा बना दिया था। लेकिन जो उत्तराधिकार संघर्ष है उसमें देखें तो भारमल की सहायता मुजफ्फर शाह ने की थी, और जो खानो रायमल है उसकी सहायता किसने की थी, सांगा ने की थी। उसके बाद में एक बार हम दिल्ली की ओर चलते हैं, देखते हैं दिल्ली में क्या चल रहा है। दिल्ली में शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा थे कौन, दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी। ये भी क्या राजा बनना चाहते थे, लेकिन इब्राहिम लोदी वो क्या था, ताकतवर था। उसी समय क्या था है? बाबर ये क्या करते हैं कि जो बाबर है काबुल, वो कहां पर पहुंच जाते हैं, ये बाबुल बाबर के पास चले जाते हैं, और जो बाबर है वो क्या भारत में आक्रमण करता है। लेकिन वो कहां तक आता है, पंजाब। पंजाब पर बाबर ने 4 बार आक्रमण किए थे, ये हम क्या है इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये बाबर के पास जाते हैं और बाबर को क्या है, जो भारत है भारत पे आक्रमण का क्या न्योता देते हैं। तो ऐसे पूछ लेंगे, भारत पे बाबर को,
भारतीय आक्रमण का न्योता वो किसने दिया था? तो दौलत खान और आलम खान ने। एक पुस्तक है कौन सी, बाबरनामा। बाबरनामा, बाबरनामा क्या कहती है कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था, जब बाबर भारत आता है तो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी कौन, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य क्या होता है, बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध होता है। कौन सा, पानीपत का युद्ध होता है और इस युद्ध में है वो बाबर क्या हो जाता है, जीत जाता है और बाबर का क्या है, दिल्ली पर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है, जो कि काफी समय तक चलता है, वो काफी समय तक चलता है दिल्ली पर मुगलों का शासन, 1707 तक, औरंगजेब की मृत्यु, या फिर हम बोले तो 1857 तक, उस यहाँ पर 1857 तक था नहीं, लेकिन मेन है वो 1707 तक रहता है, 1707 तक रहता है। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद में सांगा और बाबर के मध्य एक युद्ध होता है, कौन सा, बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब होता है, 16 फरवरी, वेलेंटाइन डे के 2 दिन बाद, 16 फरवरी 1527 को, किसके मध्य, सांगा वर्सेज बाबर। बाबर है ये कभी भी युद्ध में नहीं जाता था। इस समय बयाना का जो किला था, बयाना का जो किला था वो किसके पास था, मेहंदी ख्वाजा के पास। ये जो बयाना का जो किला था, बयाना का किला, वो बाबर ने किसे देख कर रखा था, मेहंदी ख्वाजा। जब बयाना का युद्ध होता है तो बाबर है वो, बाबर की तरफ से कौन था, एक तो मेहंदी ख्वाजा, दूसरा कौन था, बाबर का सेनापति था, कौन था, सुल्तान मिर्जा, सुल्तान मिर्जा, ये कौन था, बाबर का सेनापति। इनके मध्य घमासान युद्ध होता है, कौन, मेहंदी ख्वाजा सा, ख्वाजा प्लस और कौन था, सुल्तान मिर्जा, जो कौन थे, बाबर के सेनापति थे। युद्ध होता है, युद्ध में कौन जीत जाता है, इसमें भी सांगा है वो जीत जाता है और बाबर की क्या होती है, बुरी तरीके से इसमें हार होती है। बयाना का युद्ध होता है उसके जस्ट एक महीने बाद, 17 मार्च 1527 को बाबर फिर से आक्रमण करता है, कौन सा, खानवा। तब क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है। तो हम देखेंगे खानवा का युद्ध किस, कब हुआ था, 17 मार्च 1527 को, कब हुआ था खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527 को, किसके मध्य, सांगा वर्सेज बाबर, बाबर क्या इसमें विन कर जाता है। अब हम पढ़ेंगे, पहले हम खानवा के युद्ध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो युद्ध के क्या थे कारण, यदि हम कारण की बात करें, पहला कारण क्या था, दोनों का साम्राज्य विस्तार, फिर दूसरा बयाना का किला, क्या था, बयाना का किला, जिसके लिए कौन सा, बयाना का युद्ध हुआ था, दूसरा क्या था, बयाना का किला, फिर तीसरा जो सांगा था, सांगा था इसने दिल्ली के 200 गांव दबा लिए थे, 200 गांव पर अधिकार कर लिया था, कितने गांव पर, इसने दिल्ली के 200 गांव पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तीसरा कारण था कि जो इब्राहिम लोदी था, जिसको हराया था, उसका जो भाई है वो मोहम्मद खिलजी, वो क्या है, सांगा के पास जाता है। एक उससे पहले क्या है, देखते हैं कि एक है अफगान, अफगान राजपूत गठबंधन, परीक्षा में नहीं पूछ भी सकते हैं, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, अफगान राजपूत गठबंधन। अफगान राजपूत गठबंधन है, ये क्या था कि इब्राहिम लोदी का भाई, कौन था, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई कौन, मोहम्मद खिलजी,
मोहम्मद खिलजी और किसके मध्य? सांगा, सांगा के मध्य। दोनों ने एक गठबंधन किया, अफगान राजपूत गठबंधन, किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ ये गठबंधन बनाया था। तो तीसरा कारण क्या हो गया? पहला कारण हो गया था साम्राज्य विस्तार दोनों का, दूसरा कारण था बयाना का किला, तीसरा कारण क्या बना कि जो सांगा है, सांगा ने जो दिल्ली सल्तनत है, क्या जो दिल्ली सल्तनत है उसके, दिल्ली के जो सुल्तान है यानी कि जो दिल्ली का जो साम्राज्य है उसके 200 गांव दबा लिए थे, 200 गांव पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। चौथा कारण क्या देखा हमने कि अफगान राजपूत गठबंधन, मोहम्मद खिलजी जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था, वह क्या करता है कि वो खिलजी है वो सांगा के साथ में गठबंधन कर लेता बाबर के खिलाफ। और एक कारण है वो हुमायूं नामा क्या कहता है, बाबर नामा क्या कहता है कि जो बाबर नामा कहता है कि सांगा है, सांगा ने बाबर को दिल्ली बुला तो लिया, लेकिन उसने पानीपत के युद्ध में ना उसके बाबर की हेल्प नहीं की थी। तो ये क्या हो गए थे कारण, युद्ध के क्या हो गए थे? कारण बन गए थे। अब क्या है कि 1 महीने पहले ही बयाना का युद्ध हुआ था, 14 फरवरी 1527 को, 1 महीने बाद खानवा का युद्ध होता है। तो जो मुगल सेनापति, जो मुगल सेना सैनिक थे उनमें क्या है, विश्वास नहीं था कि भाई, कह रहे थे जो पहले ये जो सांगा है, सांगा ने आज तक जितने भी युद्ध किए हैं सभी युद्धों में जो सेना थी, सामने वाली सेना थी, उसको बुरी तरीके से हराया था। तो जो मुगल सैनिक थे उनमें भी थोड़ा इसके प्रति डर था। इस डर को मिटाने के लिए बाबर ने क्या है, ये जो खानवा का युद्ध था इसे कहा कि ये खानवा का युद्ध नहीं है, ये एक मेरा युद्ध नहीं है, आप लोगों का युद्ध नहीं है, ये अपने धर्म का युद्ध है। तो इसने खानवा के युद्ध को किसका रूप दे दिया था? धर्म के युद्ध का, धर्म युद्ध का रूप दे दिया था। कौन से युद्ध का? धर्म युद्ध का रूप दे दिया था। और बाबा ने जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा दे दिया कि भैया अपना नहीं है, ये धर्म का युद्ध है। तो उसने जिहाद का नारा दे दिया। साथ में जो मुस्लिम जो बाबर थे, मुगल थे, वो क्या मुसलमानों से क्या लेते थे? टैक्स लेते थे, एक कर लेते थे, कौन सा? तमगा कर, तमगा टैक्स। साथ ही उसने कहा कि जो सेना है, सैनिकों से मुस्लिम जो व्यापारी है, सॉरी मुस्लिम व्यापारी है, उनसे तगमा टैक्स लिया जाता था, वो छोड़ दिया। साथ तो सैनिकों के मन में फिर भी क्या है, विश्वास नहीं था, क्योंकि बाबर है वो दाप की बेवड़ो, वो जिस समय भाषण दे रहा था उस समय भी उसके हाथ में क्या थी? दारू थी। तो सैनिकों ने कहा बोतली और इशारे किए ये। तो बाबर ने कहा कि मैं इसी समय दारू को, वो शराब को छोड़ रहा हूं, जितने भी जो बर्तन थे शराब के वो सारे तोड़ के अपने सैनिकों में इसने क्या कर दिए थे? बांट दिए थे। अब क्या है कि एक चीज पढ़ने को मिलती है, एक शब्द आता है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से क्या एक महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बार सुनने को भी मिलता है, एक है पाती पर्वन। क्या? पाती पर्वन। पाती पर्वन क्या है कि जब खानवा का युद्ध हुआ था, क्या जब खानवा का युद्ध हुआ था तो सांगा ने क्या है, जितने भी राजपूत राजा थे, उनको बाबर के खिलाफ युद्ध के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था। ये जो आमंत्रण पत्र है इसे क्या कहा गया है? पाती पर्वन की घटना कहा गया। ये जो घटना थी उसे क्या कहा गया है? पाती पर्वन की घटना। पाती पर्वन की घटना यानी कि जो सांगा है, सांगा ने राजपूत राजाओं को बाबर के खिलाफ युद्ध के लिए आमंत्रित किया था। तो ये जो घटना थी ये पाती पर्वन की घटना के क्या है नाम से जानेंगे। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जो राजपूत थे, राजपूत शासक थे जिन्होंने इसकी सहायता की थी। तो हम देखेंगे, पहला था आमेर में कौन था? आमेर से पृथ्वीराज, आमेर से कौन था? पृथ्वीराज। दूसरा
मेवाड़। मेवाड़ से कौन था? मेवाड़ में उस समय शासक कौन था? मेवाड़ से आता है मालदेव। मालदेव किसका बेटा था? उसमें राजा थे गागा, तो मालदेव है वो गागा का बेटा था। तो मालदेव आता है बीकानेर। बीकानेर से कौन आता है? कल्याण सिंह। इसमें राजा कौन था? इसमें बीकानेर का राजा था जीत सिंह। मेड़ता। मेड़ता से कौन आता है? मेड़ता से आता है वीरम देव मेड़तिया। कौन? वीरम मेड़ता से जो शासक आता है वो कौन आता है? मेड़ता से शासक आता है वो आता है वीरम देव आता है। इडर से बारमल। इडर से ये वही बारमल है जिसे हमने देखा था इडर के जो युद्ध था इसके साथ ही हुआ था। मतलब इसको जो उत्तराधिकार संघर्ष था इडर का उसमें इतना उत्तराधिकार सुलक वाला ही क्या ये बारमल है। इडर से कौन? बारमल था। चंदेरी। चंदेरी से कौन? मेदनी राय। चंदेरी से कौन था? मेदनी राय। सिरोही से अखेराज। सिरोही का कौन था? अखेराज देवड़ा। कौन? सिरोही। सिरोही से कौन था? अखेराज सिरोही का अखेराज देवड़ा। उसके बाद में वागड़ में उदय सिंह। देवलिया से बाघ सिंह। वागड़ से वागड़ का जो शासक था वो कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह आता है देवलिया से बाघ सिंह। देवलिया से कौन आता है? बाघ सिंह आता है। मेवात से हसन खां मेवाती। मेवात से हसन खां मेवाती। और जो सादड़ी है सादड़ी से कौन आता है? झाला अज्जा। सलूम्बर से आता है रतन सिंह चूंडावत। तीन और कौन आए थे? पहला मेवात। मेवात से हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती सुलंबर। सुलंबर से कौन आता है? सुलंबर से आता है रतन सिंह चुड़ावत। रतन सिंह चुंडावत। सुलंबर से कौन आता है? रतन सिंह चुड़ावत। सादड़ी से आता है झाला अज्जा। कौन कौन आते हैं? अजमेर से आमेर से कौन आता है? पृथ्वीराज कछुआ। मेवाड़ से मालदेव सोनगरा। मालदेव सॉरी मालदेव कौन? सॉरी मेवाड़ से नहीं मारवाड़। मारवाड़ से कौन आता है? मालदेव किसका बेटा था? गागा का पुत्र। बीकानेर से कल्याण सिंह। कल्याण सिंह या फिर कल्याणमल। बीकानेर का कौन था? कल्याणमल। राजा जैत सिंह का बेटा। मेड़ता से वीरमदेव। वीरमदेव मेड़तिया। इडर से बारमल। चंदेरी से मेदनी राय। सिरोही से अखेराज देवड़ा। वागड़ से उदय सिंह। देवलिया से कौन थे? बाघ सिंह। मेवात से कौन था? हसन खां मेवाती। एकमात्र मुसलमान था। एकमात्र मुस्लिम। एकमात्र कौन था? ये मुस्लिम था। फिर सुलुम्बर। सुलुम्बर से कौन? रतन सिंह चुंडावत। और सादड़ी से कौन आता है? झाला अज्जा। सारे आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, युद्ध होता है। युद्ध में कौन? सांगा घायल हो जाता है। जब घायल सांगा जब घायल हो जाता है तो उसे युद्ध भूमि से बाहर निकाला जाता है। और जो झाला अज्जा है
ये झाला अज्जा, ये झाला अज्जा क्या करता है, मुकुट धारण करता है। झाला अज्जा क्या करता है, मुकुट धारण करता है, बाबर जीत जाता है, और बाबर इसमें क्या करता है, बाबर विन एक उपाधि धारण करता है, किसकी, गाजी की उपाधि, क्या, गाजी की उपाधि धारण करता है। इतना हो जाता है, युद्ध होता है, सारे राजस्थान से राजा आए थे। ऐसे देखने में ऐसे लगता है कि जैसे कि जो सांगा थी, सांगा की सेना थी वो बहुत बड़ी थी, फिर भी क्या है, बाबर जीत जाता है। तो इसके कुछ कारण है कि सांगा की हार के कारण, कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या है, सांगा हार गया था। तो सांगा की हार के कारण हार के कारण पहला कारण क्या बताते हैं कि जो राजपूत सेना थी उसमें नेतृत्व का क्या था, अभाव था। क्या था, नेतृत्व का, नेतृत्व का अभाव। कैसे, नेतृत्व के अभाव की बात करें तो अलग अलग जगह से राजा आए थे, जैसे कि आमेर का अलग, मारवाड़ का अलग, मेवाड़ का अलग, हर जगह से क्या अलग अलग राजा आए थे, अलग अलग सैनिक टुकड़ियां थी। तो क्या हो गया था, नेतृत्व का अभाव हो गया था, एक सेनापति नहीं था। फिर बयाना युद्ध के बाद में दूसरी गलती थी कि समय समय दे दिया, समय कितने का, 1 माह का। बयाना युद्ध के बाद में, और जो बाबर है, बाबर को तैयारी का मौका मिल गया, 1 माह का क्या दे दिया था, यहाँ पर समय दे दिया था, 1 महीने बाद युद्ध होता है, तो 1 महीने बाद युद्ध करना, ये भी क्या थी, दूसरी गलती थी। तीसरी, सांगा युद्ध में, बयाना के युद्ध में सांगा घायल हो गया था, तो घायल सांगा है, घायल सांगा का युद्ध में उतरना, ये भी क्या थी, एक कमी थी। तीसरी, चौथी कमी क्या थी, साथियों ने क्या किया, साथियों का विश्वासघात। जब युद्ध में हार होती दिखी तो क्या हुआ कि रायसीन, रायसीन है, रायसीन का एक शासक था कौन, सैलदी तंवर। रायसीन का शासक सैलदी तंवर, और खानजादे मुस्लिम एक नागौर का था, नागौर के साथ वैसे ही नहीं बनती थी, लेकिन इन्होंने इसमें क्या ले लिया, अपना जो पहले का जो साथ था वो मेवाड़ के साथ क्या क्लियर कर लिया। कौन था, खानजादे, खानजादे, खानजादे मुस्लिम, खानजादे मुस्लिम, इन दोनों ने क्या है अकबर की सेना में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। पांचवा कारण क्या था, बाबर का तोपखाना, छठा था तुलगमा, ये देखेंगे हम 1 मिनट बाद में, तुलुगमा, बाबर की कौन सी, तुलुगमा युद्ध पद्धति। फिर क्या था कि जो युद्ध में मुस्लिम सेना थी उनके पास तो क्या थे, घोड़े, घोड़े, वह जो सांगा की सेना थी उसके पास क्या थे, हाथी। ये भी क्या एक कारण था, एक कारण ये भी मानते कि जो मुगल थे, मुगलों के क्या हथियार थे, वो क्या थे, हल्के हथियार थे। मुगल है वो क्या, तलवार वगैरह हल्के हल्के हथियार यूज में लेते थे, जबकि जो ये सांगा की जो सेना थी उसके पास भारी भरकम हथियार थे, भारी भारी भाले वगैरह थे। ये भी क्या एक कारण था। एक है तोपखाना, तोपखाना क्या एक भारत में सबसे पहले, मतलब राजस्थान में जो इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में तोपखाने का प्रयोग हुआ था, राजपूतों ने कभी तोप देखी नहीं थी। तो जैसे कि ये ऐसे सेना थी, ये इधर सांगा की सेना थी, इधर बाबर की सेना थी, आगे से तोप लगा रखी थी, घोड़े दाग दिए गए, हाथी हैं वो, हाथियों के भी नहीं देखे हुए थे, हाथी हैं वो भी बिचर गए थे, और अपने सैनिकों को क्या कुचलने लग गए थे। फिर दूसरी थी तुलगमा युद्ध पद्धति, ये तो सामने, पहले क्या होता था राजपूत सामने के सामने युद्ध करते थे। तुलगमा युद्ध पद्धति क्या है कि
तुलकमय युद्ध पद्धति में क्या है कि एक सेन एक टुकड़ी है वो ऐसे सामने खड़ी है, इधर विपक्ष की टुकड़ी है, ये क्या आमने सामने लड़ रहे हैं। एक टुकड़ी है वो पीछे से, एक टुकड़ी इधर से हमला करती है और एक टुकड़ी है वो इधर से हमला करती है। ये पद्धति है वो कौन सी थी, तुलकमय युद्ध पद्धति। ये भी क्या है कि हार का कारण था। कारण में हम देखें तो कारण में क्या था, पहला राजपूत सेना में नेतृत्व का अभाव था, बयाना के युद्ध के बाद में बाबर को पर्याप्त समय दे दिया था, सांगा खुद घायल था लेकिन युद्ध भूमि में क्या है उतर गया था, ये भी एक गलती थी। फिर जो साथी थे उनमें क्या है एक सैल्दी तंवर और एक खानजादे मुस्लिम है जो कि नागौर का था, उन्होंने क्या किया था अविश्वास किया था बाबर का तोपखाना, बाबर की तुलगमा युद्ध पद्धति, और बाबर की जो सेना थी वो घोड़ों का यूज में लेती थी, घोड़े यूज में लेती थी, जबकि जो सांगा की सेना थी उनके पास हाथी थे, मुगलों के पास हल्के हथियार थे। ये क्या थे, ये युद्ध के हार के क्या थे कारण थे। फिर एक जो खानवा का युद्ध हुआ उसके कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन भी निकले, कुछ फैसले हैं वो अच्छे भी हुए, जिसमें क्या हुआ कि खानवा युद्ध के बाद में, खानवा युद्ध के बाद में जो बाबर है, बाबर ने जो अफगान और जो राजपूत थे उनकी शक्तियों का सामना करने के बाद में भारत में जो बाबर है, बाबर का अफगान और राजपूतों के साथ में खानवा के युद्ध में जब मुकाबला, उसके बाद में भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं बची थी इतनी शक्तिशाली कि जो उसके साथ बाबर के साथ मुकाबला कर सके। तो पहली बात इसे क्या हुआ कि मुगल हैं, ऐसी कोई शक्ति नहीं बची जो इनका क्या सामना नहीं कर सकती, तो मुगलों का क्या हो गया था धीरे धीरे प्रभुत्व स्थापित होने लग गया था। फिर खानवा क्या था, खानवा युद्ध है वो एक ऐसे दिखाता है कि राजस्थान को एक बार एकता में बांधने का प्रयास किया था खानवा ने, उसके बाद में खानवा युद्ध के बाद भी कभी भी राजपूतों में क्या ऐसी एकता नहीं देखी गई थी। फिर सांगा एक ऐसा शासक था जिसने दिल्ली का जो शासन है उसको सीधी चुनौती दी थी। उसके बाद में एक ये हुआ कि इस युद्ध के बाद में जो मुगलों की है, मुगलों ने कभी राजस्थान की ओर क्या है सर उठाकर नहीं देखा, राजस्थान की ओर सर उठाकर नहीं देखा। जो अकबर है मुगलों की क्या धीरे धीरे राजस्थान की ओर आक्रमण नहीं करके, मुगल है उस जो दक्षिणी राजस्थान है नहीं जो दक्षिणी भारत है मालवा वगैरह उस साइड में क्या आक्रमण करने लग गए थे, और इनकी जो युद्ध नीति है उनमें क्या हो गए थे परिवर्तन आए, और ये युद्ध की जगह कालांतर में युद्ध की जगह अकबर ने क्या है राजपूतों के साथ सहयोग के संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए थे। फिर क्या है स्थान आते हैं, जब युद्ध हो जाता है सांगा घायल हो जाता है, घायल होने के बाद में एक जगह आती है बसुआ, कहाँ पर बसुआ, बसुआ नामक जगह है, वहां पर क्या है घायल सांगा का इलाज किया जाता है। घायल सांगा का इलाज बसुआ में क्या है सांगा का इलाज चला। जब खानवा का युद्ध हुआ उसके बाद में जो बाबर है, बाबर ने अपना जो रुख है वो मालवा की ओर मोड़ लिया था, किधर मालवा की ओर। जब सांगा को इस बात का पता चला कि बाबर मालवा के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये मालवा के जो शासक है उनकी सहायता के लिए क्या निकल पड़ते हैं, और सैनिक है वो इसे क्या करते हैं मना करते हैं कि भाई आप स्वस्थ भी नहीं हो और ये समय उचित नहीं है, फिर भी ये नहीं मानता है, तो इरिची इरिची नामक जगह पे क्या दे देते हैं इसे, इरिच जो जगह है वहां पर इसे जहर दे दिया जाता है। और कालपी है, कालपी में क्या हो जाती है इसकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर से, और कालपी में क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है, कालपी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसे कहाँ लाया जाता है, मांडलगढ़ लाया जाता है, मांडलगढ़ लाया जाता है जहां क्या इसकी छतरी बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। फिर
आगे देखते हैं। बसुआ ने इसका इलाज चला था खानवा युद्ध के बाद में, ठीक हुआ तब इसे पता चला कि जो बाबर है वो मालवा पे अटैक कर रहा है, तो ये उसकी सहायता के लिए चला जाता है। लेकिन रास्ते में जो उसके जो सामंत वगैरह सैनिक वगैरह वो इसे समझाते हैं, नहीं मानता है, तो इरिची के पास क्या दे देते हैं, जहर दे देते हैं। तो कालपी में इसकी मृत्यु हो जाती है और मांडलगढ़ लाया जाता है जहाँ इसका अंतिम संस्कार किया जाता है, और यहीं पर क्या इसकी छतरी बनी हुई है। अब सांगा की क्या है उपाधियां, उपाधि 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 में हम क्या देखते हैं, एक थी हिंदू पंथ, कुंभा की क्या थी हिंदू सूरज, इसकी क्या थी हिंदू पंथ। हिंदू पंथ कर्नल जो जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड है वो इसे एक उपाधि देते हैं, क्या कहते हैं कि सैनिक का भग्नावेश, सैनिक का भग्नावेश, भग्नावेश, सैनिक का भग्नावेश। जब खानवा का युद्ध होता है, खानवा के युद्ध में जब बाबर आता है, खानवा के युद्ध में तो बाबर जो सांगा थे, खानवा के युद्ध में सांगा के शरीर पर 80 घाव हो गए थे, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, फिर भी उसने बाबर की सेना का बड़े ही साहस के साथ सामना किया था। इसे देखकर जो जेम्स टोड है उसने, जब इतिहासकार जेम्स टोड है, बाद में इतिहासकार जेम्स टोड ने इसे सैनिक का क्या कहा था, भग्नावेश कहा था। बाबरनामा क्या बताता है कि जो सांगा है, सांगा एक बहुत बड़ा शासक था, तो सांगा का जो दरबार था उसमें 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। कितने? 7 राजा, 9 राव, 102 क्या थे सरदार थे, 102 क्या थे, नहीं सॉरी 104, 104 सरदार थे। किसके अनुसार? बाबर नामा के अनुसार, बाबर नामा, बाबर नामा के अनुसार 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने अब तक सांगा के बारे में जो पढ़ा है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1509 से लेके 1528 तक सांगा ने क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। सांगा के जब भाइयों के साथ संघर्ष होता है तो ये कहाँ चले जाते हैं, श्रीनगर। श्रीनगर में कौन, करमचंद पवार उनकी सहायता करता है। जब इनका राजतिलक होता है सांगा का, तो तीन शक्तियाँ थी दिल्ली, मालवा, गुजरात। दिल्ली में सिकंदर लोधी, मालवा में नासिर शाह, नासिर शाह, और जो गुजरात था उसमें मोहम्मद बेगड़ा, कौन, मोहम्मद बेगड़ा, सॉरी मोहम्मद बेगड़ा। खातौली का युद्ध होता है 1527 में, कब नहीं सॉरी 1517 में खातौली का युद्ध होता है, और 1518 में बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है। किसके मध्य होते हैं दोनों युद्ध, सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य, सांगा इसमें जीतता है। गागरौन का युद्ध होता है झालावाड़ 1519 में। गागरौन के युद्ध में क्या है, युद्ध के कारण थे सांगा और मोहम्मद खिलजी सेकंड है, मोहम्मद खिलजी सेकंड जो मालवा वाला उसके मध्य हुआ था। कारण ये था कि जो सांगा है, सांगा वह मोहम्मद खिलजी का एक विरोधी था, कौन था, मेदनी राय। मेदनी राय को क्या सपोर्ट करता है, और जो गागरौन का किला है वो मेदनी राय को दे देता है। दूसरा साम्राज्यवाद, जो साम्राज्य विस्तार। तीसरा क्या था, देखा कि जो दोनों की है वो लंबे समय से क्या है, अच्छी नहीं बन रही है, दोनों की लंबे समय से क्या है, दुश्मनी चलती आ रही है। फिर जो युद्ध होता है कौन सा, गागरौन का, गागरौन के युद्ध में जो मोहम्मद खिलजी सेकंड है उसको हरिदास चारण नाम से एक व्यक्ति था, वो उसे क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता, कौन, हरिदास चारण, उसे गिरफ्तार कर लेता है, जिससे कि क्या होता है सांगा खुश होकर उसे 12 गांव में वो गिफ्ट करता है। उसके बाद में हम इडर का जो संघर्ष पढ़ते हैं, इडर के संघर्ष में जो इडर का युद्ध होता है कब, 1520 में, सॉरी 1520 में इडर का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है सांगा और मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक उसके मध्य युद्ध होता है। कारण इडर का जो उत्तराधिकार संघर्ष था वो इसका क्या तात्कालिक कारण था। दो इडर में दो थे, भारमल और रायमल। रायमल की सहायता सांगा और बालबन की जो सहायता है वो कौन, सांगा, भारमल की सहायता वो कौन कर रहा था, मुजफ्फर शाह गुजरात वाला। सांगा जीत जाता है। उसके बाद में बयाना का युद्ध होता है, बाबर आ जाता है भारत में पानीपत के युद्ध के बाद में, बाबर अटैक करता है बयाना के ऊपर, कब, 16 फरवरी 1527 को, सांगा उसमें जीत जाता है।
बाद में बैना के किले पर इसका अधिकार हो जाता है। बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा होता है और बैना का जो राजा कौन था, मेहंदी ख्वाजा। इन दोनों ने मिलकर किसका सांगा के क्या किया था, सामना किया था, लेकिन ये क्या हार गए थे। उसके बाद में खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को बाबर और सांगा के बीच में, जिसमें क्या है बाबर जीत जाता है। कारण युद्ध के कारण थे बैना का किला हो गया था, सांगा ने दिल्ली के 200 गांव पर अधिकार कर लिया था, साथ ही अफगान और जो राजपूत है वो गठबंधन था। युद्ध में गाजी की उपाधि, वो जो युद्ध होता है उसे बाबर क्या करता है, युद्ध को जब युद्ध होता है तो उसमें बाबर क्या जिहाद की घोषणा करता है, जिहाद की घोषणा करता है, शराब छोड़ देता है, जो सैनिक जो व्यापारी हैं मुस्लिम व्यापारी उनके उनसे एक कर लेता था तगमा, वो हटा देता है। फिर हम देखते हैं कि युद्ध में जो सांगा है, सांगा राजस्थान के राजाओं को आमंत्रित करता है, जिसे पाती पर्वन कहते हैं, जिसमें जयपुर का कौन था, पृथ्वीराज, जयपुर का पृथ्वीराज, मारवाड़ का मालदेव, गागा का बेटा था, बीकानेर का कल्याणमल, कौन जैत सिंह का पुत्र, मेड़ता का विरमदेव, इडर का भारमल, चंदेरी का कौन मेदनी राय, सिरोही का अखेराज देवड़ा, वागड़ का उदय सिंह, देवलिया का बाघ सिंह, मेवात का हसन खां मेवाती, सलूम्बर का रतन सिंह चुड़ाव, सादड़ी से कौन थे, झाला अज्जा। झाला अज्जा है वो, जब सांगा घायल हो जाता है तो उसके जो मुकुट वगैरह वो धारण करते हैं, बाबर जीत जाता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। युद्ध के कारण कारण में मोटा देखे तो तोप और तुलगमायु पद्धति एक कारण था, राजपूतों में नेतृत्व का अभाव था, और एक जो राजपूत जो सैनिक थे, जो नहीं जो सांगा के जो साथी थे उन्होंने क्या किया था, विश्वासघात किया था। एक रायसेना का जो शासक था कौन, सैलदी तंवर, उसने किया था, और एक नागौर के शासक ने। उसके बाद में जब घायल हो जाता है तो घायल सांगा को कहाँ ले जाया जाता है, बसवा ले जाया जाता है। बसवा से वो रिची, फिर से जो अकबर है, जो बाबर है, बाबर के साथ युद्ध लड़ने के लिए चलता है, युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है, तो जो उसके साथी हैं वो उसको समझाते हैं, नहीं मानता है तो इरीची में उसे जहर दे देते हैं। कालपी में क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ से उसे मांडलगढ़ लाया जाता है, मांडलगढ़ लाने के बाद में वहाँ पर उसे जला दिया जाता है, यहीं पर मांडलगढ़ में उसकी क्या है, छतरी बनी हुई है। अब सांगा ने हिंदू पंथ की उपाधि धारण की, जबकि बापा के पास कौन सी थी, हिंदू सूरज की। जेम्स टोड ने इसे क्या बताया, सैनिक का भग्नावेश बताया। जेम्स टोड ने क्या बताया, सैनिक का भग्नावेश बताया। बाबरनामा के अनुसार जो सांगा है, सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। आज की क्लास यहीं पे, इससे आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए राम राम, थम्मा गणी, जय सिया राम। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।